हे hey फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। ये है हमारी सेकंड वीडियो DSA डेली में। कल मैंने सेकंड क्वेश्चन पोस्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस को, जो कि था रोटेट लिस्ट। ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। DSA डेली एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिसका पर्पज़ है टू मास्टर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जैसे आप लोग जानते होंगे, एक हेल्प कर सकता है आपको अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज़ में SDR रोल का इंटरव्यू क्लियर करने में, और इवन जो हाई पेइंग स्टार्टअप्स में, उसमें भी आपका हेल्प करेगा। और इरिस्पेक्टिव कि आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, आपको मिनिमम 30 लाख तक का पैकेज लग सकता है। बट फॉर दैट, उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इस ग्रुप का पर्पस वही है, टू मेक यू स्ट्रांग इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। इस ग्रुप में एक लिंक पोस्ट हो रहा होगा ऊपर या नीचे, जहाँ पे आप क्लिक करके उस लिंक को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेली इस ग्रुप पे एक क्वेश्चन पोस्ट होगा, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पोस्ट होगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो के जरिए पोस्ट होगा, और मे बी जस्ट उसमें मैं सजेशंस या टिप्स भेजूंगा, और वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है रोटेट लिस्ट। Given a linked list, rotate the list to the right by k places where k is non-negative. Okay? तो this question is actually fairly very simple. बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इस question को paper पर try करें। ठीक है, अगर आप paper पर इसको try करके logic समझ पाएंगे अलग अलग example लेके, तो ये सवाल आपसे बहुत ही easily हो जाएगा। If you are able to do this question, try this question on piece of paper, you will be able to understand the logic very well and be able to do it well. सो लेट्स सी हाउ वी कैन। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो इन्हें खुद एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर नल, ये लिस्ट दी हुई है, और हमें इस लिस्ट को रोटेट करना है टू टाइम्स टू द राइट। टू टाइम्स टू द राइट रोटेशन का मतलब क्या है? टू टाइम्स टू द राइट का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, उठ के राइट में चले जाए। उसका मतलब ये है कि जो आखिर के दो नोट्स हैं ना, वो आगे आ जाएंगे, राइट? तो 4, 5, 1, 2, 3 हो जाएगा, राइट? रोटेशन का मतलब यही है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, जहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट है, और ये आपका हेड है, और यहाँ से आप पॉइंट करते जा रहे हैं टेल की तरफ। ठीक है, रोटेशन बाय टू का मतलब क्या है? जब आपको बोला जा रहा है कि आपको रोटेट करना है बाय टू से, इसका मतलब क्या है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये दो पोजीशन आगे चले जाएंगे। ठीक है, दो पोजीशन आगे जाने का मतलब क्या है कि ये वाला जो नोड है ना, ये भी दो पोजीशन आगे जाएगा। लेकिन दो पोजीशन आगे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो पोजीशन आगे ले जाने के लिए आपको इस आखिरी वाले नोड को पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला आप जब यहाँ पर लगाओगे तो रोटेशन बाय वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 5 को यहाँ लेकर आओगे, सारी जो पोजीशंस हैं 1, 2, 3, 4, ये एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें रोटेट करना है 2 से, तो 5 को यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आपको 4 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप 4 को शिफ्ट करोगे, सारे के सारे नोड्स जो हैं एक एक करके राइट, एक नोड से और शिफ्ट हो जाएंगे, एंड इसलिए आपका रोटेशन 2 से कम्प्लीट हो जाएगा, राइट? तो जब आप 5 को हम पुश कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो ये लिस्ट बन जाएगी हमारी 5, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा, और जब हम 4 को भी यहाँ पे पुश कर देंगे, तो ये 4, 5, 1, 2, 3 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, पहले 1 फर्स्ट पोजीशन पे था, बट नाउ 1 जो है थर्ड पोजीशन पे आ गया, 2 जो है फोर्थ पोजीशन पे आ गया, 3 जो फिफ्थ पोजीशन पे आ गया। सो सब सारे के सारे नोट्स दो पोजीशन से आगे बढ़ गए। तो ये फेयरली बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसका लॉजिक हम लिखने की कोशिश करते हैं, और लॉजिक लिखते लिखते आप समझ जाओगे। सबसे पहले अगर हमें पता है कि कितने नोड्स शिफ्ट करने हैं, राइट? के का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स टू रोटेट, नंबर ऑफ नोड्स टू मूव टू द बिगिनिंग। ओके, इसको देखने से पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि जितना नंबर यहाँ पर रोटेट करने के लिए बोला है, बेसिकली उतने एंड के नोड्स को उठा के आगे रख देने से रोटेशन हो जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है, 0, 1, 2, 4, के इक्वल टू 4 लिया हुआ है, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ दूसरे एग्जांपल के साथ, कि मान लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5
दिया हुआ है, और मान लो यहाँ पे रोटेशन होता बाय थ्री, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो, जो आपका नोड वन है ये तीन पोजीशन से आगे बढ़ जाए, तो जो वन है आपकी फोर्थ पोजीशन पे आ जाए। दो बार रोटेट करने के बाद वन जो है थर्ड पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पर, राइट। अगर हम इसको एक और बार रोटेट करना चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि जो वन है फोर्थ पोजीशन पे आ जाए, तो उसके लिए हमें जो लास्ट नोड है थ्री उसको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा। तो जब हमारा नोड बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी 3, 4, 5, 1 और 2, आप देखो कि सारे के सारे जो नोड्स हैं थ्री पोजीशन से आगे बढ़ गए, राइट। वन जो फर्स्ट पोजीशन पे था ये फोर पे आ गया, टू जो सेकंड पोजीशन पे आया था या फिफ्थ पे आ गया, ठीक है। जो थ्री जो आपका थर्ड पोजीशन पे था, ये वन टू एंड फिर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फोर फाइव फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, राइट। जब हम मॉडुलो काउंटिंग करते हैं तो जैसे ही हम लास्ट में पहुंचते हैं हम बिगनिंग में पहुंच जाते हैं, राइट। इसलिए जैसे थ्री एंड में पहुंचा हम आगे चले जाएंगे, राइट। इसी तरह चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है के का मतलब है नंबर ऑफ नोट्स टू मूव टू बिगनिंग, ठीक है। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है और मैं आपको ये नोट दे दूँ जो पीछे से केथ नोट है, जो इस केस में फोर है, उसका अगर मैं आपको पॉइंटर दे दूँ तो आप उसको मूव कर पाओगे आगे, और उसके एंड में जो हेड है उसको अपेंड कर दोगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, इसको हटा देते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो वन है, टू है, थ्री है, फोर है और हमारे पास फाइव है, और ये सभी एक दूसरे को पॉइंट करते आ रहे हैं, वन से टू, टू से टू, थ्री, थ्री से फोर और फोर से फाइव, और हमें टू से रोटेशन करना है। तो हमने क्या किया, आखिर के जो दो नोड हैं, आखिर के दो नोड हैं उनको लिस्ट से हटाया, ठीक है। लिस्ट से हटाने का मतलब हुआ, ठीक है, हमने इसको लिस्ट से हटा दिया, तो हमारी लिस्ट बचती है वन टू थ्री, ठीक है। और जो सेकेंड लिस्ट बचती है ये बचती है फोर फाइव, और इस फोर फाइव का जो टेल है, अगर हम टेल को पहले नोड से कनेक्ट कर देंगे, पहली लिस्ट के हेड से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हमें इस नोड को हेड बनाना पड़ेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको आखिर के नोड्स पता हैं आप आइट्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। आइट्रेट करके आपको निकालने के लिए एक नंबर चाहिए होगा, एक दूसरा नंबर चाहिए होगा जो कि मान लेते हैं एम, एम इज इक्वल टू एन माइनस के, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ नोट्स आफ्टर विच यू हैव टू कट द ओरिजिनल लिंक लिस्ट, राइट। तो बेसिकली आपका अगर यहाँ पे एन फाइव है, एन फाइव है और के टू है, तो एम आपका आ जाएगा थ्री, राइट। तो बेसिकली वन टू थ्री करके आपको थ्री के बाद उसको काट देना है, ठीक है। और जैसे ही जो थ्री के बाद जो नोड होगा, थ्री के बाद जो नोड होगा उसको आपको उठा लेना है, उसको हेड बना देना है, ठीक है। इस नोड को हेड बना देना है और फिर इस लिस्ट को ट्रेवर्स करना है एंड तक, एंड तक ट्रेवर्स करना है, और एंड में जो टेल है इसका उसको पिछले वाले ओरिजिनल नोड के हेड से अटैच कर देना है, ठीक है। बस इसमें एक थोड़ी समझदारी वाली बात ये होगी, जो हमारा के है ये एन से बड़ा भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे एन हमारा क्या है, साइज, के जो है हमारा एन से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बार बार आइट्रेट करना पड़ सकता है रोटेट करने में, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि आपको के को कर दो के परसेंटेज एन, तो उससे क्या होगा, मॉडुलस आप निकाल लोगे कि अगर नंबर आपका के से बड़ा भी है, मान लो आपका नंबर जो है, मान लो आपका नंबर है, मान लो आपका नंबर है 12, ठीक है, के आपका 12 है और आपकी जो लिस्ट का साइज है मान लो है, मान लो यही है आपका साइज 5, ठीक है। तो आप 12 बार रोटेट करोगे तो आपको गोल गोल चक्कर में घूमते रहोगे और 12 बार रोटेट कर करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका तरीका क्या होगा कि आपने एंड से एक नोट उठाया उसको शुरू में डाल दिया, फिर से आपने एक नोट उठाया उसको शुरू में डाल दिया, फिर से एक नोट उठाया, ऐसे करते करते आप लगे रहोगे। लेकिन अगर आपने के को निकाल लिया है 12% 5 जो कि आता है 2, तो केवल अगर आप 4 5 को उठा के शुरू में रख दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मॉडलो अरिथमेटिक्स में लग रहा है, बहुत ही सिंपल है लेकिन समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम्पल्स और करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको एन चाहिए साइज, ठीक है।
उस साइज़ को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप आइट्रेट करके साइज़ निकाल लेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर एन में आपका हो जाएगा, ठीक है। और एम इज़ इक्वल टू एन माइनस के, जब आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल रहे हो जिसके बाद को कट करना है, ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऑर्डर वन में हो जाएगा। और फिर आपको आइट्रेट करना पड़ेगा, आइट्रेट टू mth नोड, ये ऑर्डर m में हो जाएगा, ठीक है। फिर गो टू लास्ट नोड, ये आपका ऑर्डर k में हो जाएगा, राइट, ये ऑर्डर k में हो जाएगा। और फिर अपेंडिंग आपका ऑर्डर वन में हो जाएगा, राइट। तो आप अगर इन सबको ऐड अप करोगे तो आपका जो नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर n आएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका वन आएगा, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उन्हीं को यूज़ किया है, लेकिन हाँ उसके एडिशन में एक दो आपने टेम्प नोट्स ज़रूर यूज़ कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन लिखने पे। और जब मैंने ये आपको बताया ना कि के एन से बड़ा हो सकता है, ये बेसिकली सेकेंड वाला एग्जाम्पल है जहाँ पर आपके पास तीन नोट्स हैं, के की वैल्यू चार है। तो अगर आप नोट को एक एक करके मूव करोगे, मान लो आपने तीन बार आपने रोटेट किया, तो क्या होगा, सबसे पहले टू शुरू में जाएगा, फिर वन जाएगा, फिर जीरो जाएगा, तीन बार होगा तो लिस्ट वापस आ जाएगी सेम टू सेम। फिर आप फोर्थ टाइम जब करोगे तो आपका नोड टू उठ के आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हमने परसेंटेज से मॉडुलो निकाला है कि क्या रिमाइंडर है उतनी बार ही रोटेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इस कोड को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है तो कोड को इवन देखने के बाद भी आप इस वीडियो को बंद करके खुद से ट्राई करना और लॉजिक लगाना, पेपर पर सॉल्व करना और उसको कन्वर्ट करना सिंटैक्स में। अगर बीच बीच में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो ऑब्वियसली कम वीडियो को वापस आके आप देख सकते हो और फिर सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं हमने कोड कैसे किया। सबसे पहले इफ़ हैड इज़ इक्वल टू ना रिटर्न हैड, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों की है, जब भी आप कोई कोड करोगे आप हमेशा ध्यान रखना कि आप सारे टेस्ट, सारे केसेस, सारे सिनेरियोस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, सबसे नॉर्मल केस क्या हो सकता है कि आपका हेड ही नल हो जाए, मतलब लिस्ट में कोई भी नोड ना हो। अगर आपके लिस्ट में कोई भी नोड ना हो और आप उसके आगे उस पर ऑपरेशन लगाने लग जाएंगे तो हो सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, राइट। तो इस केस में जब आपका हेड नल होता है तो आपको कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है रोटेशन में, तो आप सिंपली क्या करोगे, रिटर्न हेड कर दोगे जो आपकी आपका नल है, ठीक है। लेकिन अगर वो हेड नल नहीं है तो वो इस लाइन पे आएगा, और इस लाइन पे आने का मतलब ये निकलता है, इस लाइन पे आने का मतलब ये निकलता है कि इसमें, इस लिस्ट में एटलीस्ट एक नोड है, ठीक है। अब उसमें एटलीस्ट एक नोड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें साइज़ निकालना पड़ेगा, राइट। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे हमने सबसे पहले साइज़ निकाला था, ठीक है। तो साइज़ को आइट्रेट करेंगे ज़ीरो, एक आइट्रेटर नोड बनाएंगे जो हेड की वैल्यू सेट करेंगे, और एक लूप चलाएंगे जो आपका हेड से लेकर हेड के नेक्स्ट नेक्स्ट तक जाता रहेगा, आइटर नेक्स्ट नेक्स्ट जाता रहेगा, जब तक सारे नोट्स आपके कवर ना हो जाएं। और सारे नोट्स कवर तब होंगे जब आपका जो आइटर की वैल्यू है नल हो जाएगी, ठीक है। तो जब जब ये लूप में घुसेगा मैं साइज़ की वैल्यू इंक्रीज करूंगा और आइटर को नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। अब ये बहुत ही एक सिंपल प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो लोग मिस कर देते हैं। जब आप यहाँ पर लूप से अपना कोड प्रूफ, कोड आपने लिखा हुआ है, इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो कि ये हमेशा साइज़ करेक्ट देगा। जनरली लोग हिट एंड ट्रायल करके कोशिश करते हैं कि इसका आंसर है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि कभी कभार आपका वो कोड फेल हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही मिनिमल तरीके में बताऊँगा कि ये कोड सही काम क्यों कर रहा है। इस कोड, इस लूप का एक लूप इनवेरियंट है कि जब हर एक आइट्रेशन में जब ये घुस रहा है, जितनी बार ये आइट्रेट करेगा, हर एक आइट्रेशन में घुस रहा है, उतने नोट से काउंट कर चुका है, ठीक है। तो जब तक ये लूप में नहीं घुसा है, अभी तक हमारे नोट्स कितने हैं, काउंट हुए हैं, ज़ीरो काउंट हुए हैं, राइट। जब वो अंदर घुसेगा, क्योंकि आइटर नल नहीं है, तो हमें पता लिया कि हमारे पास एक एटलीस्ट एक नोड है, तो हमने साइज़ की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, तो साइज़ की वैल्यू ज़ीरो से वन हो जाएगी। और फिर हम आइटर इज इक्वल टू आइटर डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो अभी भी हम फिर से लूप में घुसेंगे, और आइटर डॉट नेक्स्ट हो सकता है नल होता, और अगर वो नल होगा तो यहाँ पर लूप एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर नहीं है तो वह फिर से घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक कि हमारा जो आइटर की वैल्यू है नल नहीं हो जाती, ठीक है। इससे हमें साइज़ डेफिनेटली मिल जाएगा। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप इनवेरिएंट पे एक अपनी एक क्लास हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो,
ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइज़ निकाल लिया, उसके बाद हमने के इक्वल टू के परसेंटेज साइज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम मॉडुलो निकालना चाहते हैं कि जस्ट इन केस आपका के जो है साइज से बड़ा होगा, हम बार बार घूमें ना, केवल मॉडुलस निकाल के उस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो के आपका मॉडुलो निकालने पे जीरो आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको जीरो रोटेशंस करने हैं, और अगर आपको जीरो रोटेशंस करने हैं तो आप सिंपली हेड को रिटर्न कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि के जीरो नहीं है, जिस केस में आपको फंक्शंस ऑपरेट करने पड़ेंगे, मतलब कि आपको शुरू के जो एन माइनस के नोड्स हैं उनको काट देना है और जो एंड के नोड्स हैं उनको उठा के लिस्ट के शुरू में रख देना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, फिर से हमने एक लूप रन करेंगे इंट आई इक्वल टू वन और आइटर इक्वल टू हेड। इस लूप का जो इन्वेरियंट है जो यहाँ पे है वो यही है कि आई रिप्रेजेंट्स कि मैं कौन से वाले नोड पे अभी हूँ जहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है वन। काउंटिंग यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, काउंटिंग यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही हम एंड मतलब साइज माइनस के पे पहुँचेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा कि हमारे जो शुरू की लिस्ट है जिसको हमें जहाँ पे हमें काटना है उस पे आइटर पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसलिए जब तक आई एंड नहीं हो जाता है, आइटर को हम नेक्स्ट करते जाएंगे, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, और यहाँ पे आने तक हमारा जो आइटर है ये इस पॉइंट पे पहुँच चुका है, बेसिकली इस वाले नोड पे पहुँच चुका है जिस यहाँ पे हमें काटना है, और इसके बाद हम इसको बाकी लिस्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच चुका है, फिर हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू आइटर डॉट नेक्स्ट। आइटर डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है, जो हमारी जो आखिर के नोड्स हैं, के नोड्स हैं, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, और फिर से हम लूप रन करेंगे जब तक कि हम एस उसके आखिरी नोड पे नहीं पहुँच जाते। ठीक है, जब हम 5 पे पहुँच जाएंगे हम स्टॉप करेंगे, ना कि 5 डॉट नेक्स्ट जो कि नल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आप कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 5 पे पहुँचते हो, लास्ट नोड पे पहुँचते हो, तो आप डॉट नेक्स्ट करके इसको हेड पर पॉइंट करा सकते हो। राइट, इसलिए आप देखोगे इस लूप में वाइल आइटर डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जबकि जो ऊपर हमने लूप रन किए होंगे वो आइटर इज़ नॉट इक्वल टू नल या आई इज़ नॉट इक्वल टू एंड किया है, यहाँ पर हमने आइटर डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लूप हम आइटर के एंड तक पहुँच जाएँ। ठीक है, लिस्ट के एंड तक पहुंच जाएं, सो दैट लिस्ट के जो लास्ट नोड है उसमें डॉट नेक्स्ट करके हम उसमें शुरू वाली लिस्ट अपेंड कर दें। ठीक है, तो जब ये लूप एंड करेगा, आइटर आपका लास्ट नोड होगा, और फिर उस आइटर डॉट नेक्स्ट पे को हम हेड कर देंगे, और आपका हेड क्या था, ये वाला नोड था सिंपली। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, 5 से लेकर यहाँ पे 1 को कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये जो 3 to 4 वाला कनेक्शन है इसको शायद हमने तोड़ा नहीं है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे नहीं तो एक साइक्लिक लिस्ट बन जाएगी। राइट, हाँ, तो इसको मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया था, मैंने जब आइटर डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल किया था। ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्प इज इक्वल टू आइटर डॉट नेक्स्ट किया था, मतलब बेसिकली इस वाली पोजिशन को निकाला था, 4 को निकाला था, ये वाला जो लिंक है ये मैंने ब्रेक कर दिया था, कैसे, जब मैंने बोला था आइटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, गुड, सो जैसे हमने आइटर डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हमने हेड किया, हमारा सारा काम हो चुका है, और जो हमारा टेम्प है जो हमने आइटर डॉट नेक्स्ट किया था, बेसिकली जो बची हुई लिस्ट थी उसका जो हेड बनाया था, हमारा आंसर आ गया, और फिर उसके हमने रिटर्न कर दिया टेम्प। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कुछ चीज़ें मैं समराइज़ कर देता हूँ जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट सीखने वाले। कोई भी कोड को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पेपर पे सॉल्व करें, क्योंकि जब आप पेपर पे उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, और इन एग्जांपल्स के हिसाब से आपका दिमाग चलने लगेगा और आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। जब आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर लोगे, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बन जाएगा कि ऐसे सॉल्व करना है, और जैसे ही आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आएगा, आप समझ जाइए आपने एक एल्गोरिदम लिख दिया है, एंड बस उसके बाद एक काम रह जाएगा कि उस मेंटल एल्गोरिदम को आपको कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सिंटैक्टिकल एरर आए, हो सकता है आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई जानकारी ना हो सकता है कुछ टेस्ट केसेस रह जाएँ, बट आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ। लिंक पोस्ट हो रहा होगा ग्रुप में ज्वाइन करने का, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब तक, एंड आई होप ये फ्री रहेगा कुछ समय तक, बट अगर किसी टाइम के बाद बहुत सारे मेंबर हो जाएं तो हो सकता है इसकी फ्री मेंबरशिप चली जाए, तो इसको जल्द ही ज्वाइन करें और अपने डाउट्स वगैरह जल्द ही जल्द पोस्ट करते रहें। आपको कोई अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। सो बाय बाय, टेक केयर।